ये क्या आप लोग जानना चाहते हैं? पहले क्वेश्चन में तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी आपको। एक तो ना ऐसे कुछ टॉपिक्स के एक्साइटमेंट खत्म करिए आप, तब जाके आप दूसरा संयम बना पाएंगे कि ऐसी बातें होती ही अलग ही आपको ऐसा लगता है वो क्या कौन सी बड़ी बात है, जनरल बात है, नेचुरल बात है, अट्रैक्शन होता है, नेचुरल चीजें हैं, इनको जब आप नेचुरल करोगे तब जाके तो संयम बनेगा। आप खुद इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, आपको पहले ये चीज नॉर्मल करनी पड़ेगी कि ये चीजें नेचुरल है। देखिए मैं हमेशा कहती हूं आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है वो नेचुरल है और वो आपके बस की चीज नहीं है। आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको कैसे बंद करूं, ये नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपको अच्छा दिख रहा है तो आपको अच्छा दिखेगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखता है, वो अट्रैक्शन होगा। आगे क्या कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सबको लगता है पर आपकी प्रायोरिटी किस वक्त क्या है ये डिसाइड आप करते हैं। स्पिरिचुअली आपको कहा जाता है ये आपके इमोशंस हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए, पर आपका काम है उसको बताना कि मालिक तुम नहीं मैं हूं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा मेरे हिसाब से चलेगा, मैं बताऊंगा कब क्या करना है, तुम नहीं बताओगे। तो उसने बोला कि यहाँ जाना है तो हम आंख बंद करके चल लिए, उसने बोला ये करना है तो हमने आंख बंद करके कर लिया, तो आप क्या है फिर, स्लेव है आप, फिर तो हर जगह यही रहेंगे आप। ये तो सिर्फ एक बात नहीं है ना कि एक आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये हर जगह है। फिर खाने को लेकर भी होगी, फिर काम को लेकर भी होगी, फिर रिलेशनशिप्स को लेकर भी होगी, फिर फेलियर्स को लेकर भी, यानी वही चला रहा है आपको बैठे बैठे। आप कर क्या रहे हो, आप रोबोट हैं है क्या? तो ये चीजें खुद को याद दिलाना कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, अगर आपको पसंद आप बात भी करें, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपके प्रायोरिटी लिस्ट को हावी कर दे तब रुकना जरूरी है। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, रिलेशनशिप सब ये चीजें चलती रहती है और चलती रहेगी, याद रखना। ये जो आपको एक बार के लिए लग रहा है ना, हम वो लाइफ जी चुके कि एक ब्रेकअप होता और लगता यही मेरा सच्चा प्यार था, अब तो इसके बिना तो कुछ नहीं है, दो महीने बाद दूसरा सच्चा प्यार हो गया, छठे महीने तीसरा सच्चा प्यार हो गया, शादी तक तो पता नहीं कितने सच्चे प्यार होते रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना, ठीक है। जब जिस समय जो जहां हो वहां अपना 100% दीजिए, पर आपकी प्रायोरिटी कब क्या है इस पर फोकस। जब आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज है उस पर हावी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये अभी मेरी प्रायोरिटी है। एंड रिमेम्बर दिस, आप अगर रिलेशनशिप को सीरियसली भी ले रहे हैं कि चलो ये मेरा सीरियस रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रायोरिटी को प्रायोरिटी माने। अगर आप कह रहे कि मुझे काम करना है या मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया और सामने वाला नहीं अभी 5 मिनट और अच्छा नहीं है छोड़ो अभी छोड़ो, क्योंकि ये फिर आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे। आपको रिलेशनशिप में याद रखना दोनों साथ में ग्रो करनी चाहिए, अगर वो आपके ग्रोथ को कम कर दे ये पार्टनर अच्छा नहीं है और ये लंबे समय तक जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको सही में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करे तो उसको बोलना चाहिए कि जितना आज का टाइम था हो गई बात, अब पढ़ने अब काम करो ये अच्छे। तो आपको सिर्फ ये दोस्ती में भी होता है, चाहे दोस्त है रिलेशनशिप है, आपको वो लोग ग्रोथ की ओर लेकर जाना चाहिए, आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो आपको पीछे, इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बोला गया कि 99% रिलेशनशिप इस एज में आपको डिस्ट्रैक्ट करे, यानी आपकी प्रायोरिटी से पीछे खींच लेते हैं, गोल से पीछे खींच लेते हैं, पढ़ाई से पीछे खींच लेते हैं, काम से पीछे खींच लेते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है नहीं। इसीलिए पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, जहाँ उनको पता लगने लगा कि इसका रिलेशनशिप इसको और अच्छा कर रहा है वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान चुना है, अच्छा लड़का चुना है, अच्छी लड़की चुना है,
और वो देखते हैं कि मेरे बच्चे में ऐसा बदलाव आ गया कि कहा मेहनती बच्चा एकदम वेल्ला बच्चा हो गया है, कि कुछ काम उसका सूझता नहीं, तो ये मत करें। तो आपका नेचुरल जो प्रोसेस है आप रखिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को हावी मत होने दीजिए। ओके, ध्यान रखेंगे क्या? एक बार तारीफ हो जाके बता दो कि वादा कर रहे थे कि प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है कि सुंदर कन्या सुंदर बालक है। तो सारे सवाल इसी मुद्दे पे नहीं आएंगे। और सक्सेसफुल हो जाओगे तो सुंदर कन्या सुंदर बालक सब मिल जाएंगे आराम से। ये टेम्पररी मस्ती है, एक्चुअली आगे जाके जब लाइफ सामने आती है ना, तब आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता, प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल मतलब रिच इंसान होता है, पर एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जिसको सच में कुछ लाइफ में करना है, आपको प्यार आगे जाके ऐसे से ही होगा। और प्यार होना, याद रखना, पार्टनर भले ही किसी को वैसा पसंद आए ना आए अलग है, लेकिन आगे जाके कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वेल्ला इंसान मेरे बच्चे का बाप बने या मेरे बच्चे की माँ बने, क्योंकि मेरे बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। इसीलिए वो प्यार उस वक्त बदल जाता है कि नहीं नहीं शादी ऐसे से नहीं, शादी तो हमको समझदार से ही करनी है, ये चेंज आते। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल है, तो आपको पार्टनर्स भी वैसे काबिल मिलते हैं। जब आप खुद ही ढंग से कुछ नहीं कर रहे, तो आपको पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। और किसको ऐसा इंसान अच्छा लगता है, आगे जाके तो नहीं लगेगा। बाहरी में कितने महीने निकाल लोगे, कुछ महीने, बाहरी सुंदर, फिर वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। करेक्ट, जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हैं और वो हाइप क्रिएट होता है, अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना फॉर ग्रांटेड हो गया है, अब क्यों उतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स, क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंडसेट से। प्यार इन चीजों से करो, तभी जाके ग्रोथ होगा। बाहरी सुंदरता से प्यार कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है, जो लगता है। अगला प्रश्न मैं मोशन के